नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। आज विधानसभा मॉनसून सत्र का अब पांचवा दिन है और पांचवें दिन की कार्यवाही ठीक 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी। प्रश्नकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जो है आज सदन में गूंजेंगे, जिसमें एसएमसी का मुद्दा भी जो है वो सदन में उठेगा। एसएमसी को लेकर पॉलिसी बनाने को लेकर ये सवाल पूछा गया है और इसके अलावा दूसरे कई मसले हैं जो उठेंगे प्रश्नकाल के दौरान और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का दिन, क्योंकि कल भी जिस तरह से सदन के भीतर काफ़ी तल्खी देखने को मिली थी और दो बार विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से कल वॉकआउट किया था और श्वेत पत्र भी कल सरकार ने जो है सदन के भीतर रखा है। पूर्व सरकार के खिलाफ जो वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं पिछले 5 सालों में, उसको लेकर एक श्वेत पत्र भी रखा है, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा सदन के भीतर हुआ और विपक्ष ने कल सदन की कार्रवाई से दो बार जो है वो वॉकआउट किया और काफ़ी तल्ख तेवर जो है वो विपक्ष के देखने को मिले हैं। आज भी देखना होगा कि किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है, क्या आज भी विपक्ष का रवैया जो है उसी तरह का रहता है, किस तरह से सरकार को विपक्ष घेरता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। अगर आज के एजेंडे की अगर बात कर लें तो प्रश्नकाल में यूनिवर्सल कार्टन का मुद्दा भी आज जो है सदन में उठेगा, क्योंकि इस बार सरकार ने किलो के हिसाब से सेब को बेचने का निर्णय लिया था, लेकिन जिसमें कुछ परेशानियां बागवानों को हुई वजन के हिसाब से, क्योंकि कार्टन जो है वो अभी तक जो है पुराने वाला ही है, यानी आपकी पैकिंग जो है 30 32 28 इस तरह से जो है पेटियों में आ रही है, लेकिन क्या अब जो है सरकार यूनिवर्सल कार्टन यानी एक ही कार्टन जिसमें आपकी 24 किलो की जो यूनिवर्सल पैकिंग हो, इस तरह का कार्टन लेकर आने को लेकर जो है विचार कर रही है, इसको लेकर सदन में प्रश्नकाल में मुद्दा उठेगा और दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आज चर्चा के लिए सदन में रखे जाएंगे और नियम 130 के अंतर्गत भी जो है तीन प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। इसके अलावा भांग की खेती को हिमाचल प्रदेश में लीगल करने को लेकर भी जो कमेटी बनाई गई थी जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में, वो भी अपनी रिपोर्ट जो है आज सदन के भीतर रखेगी कि क्या हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती जो है वो लीगल हो सकती है, अगर लीगल हो सकती है तो क्या उसके मापदंड रहेंगे, किन नियमावली के अनुसार जो है भांग की खेती हिमाचल प्रदेश में की जाएगी, इसको लेकर जो स्टडी 4 से 5 राज्यों में कमेटी ने की है उसकी पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट और हिमाचल प्रदेश के भीतर भी जो है इसकी स्टडी की गई है, जनप्रतिनिधियों से राय ली गई है, उसकी जो रिपोर्ट है वो आज सदन के भीतर रखी जाएगी और सदन को अवगत कराया जाएगा कि अगर हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती करनी है तो किस तरह कि जो है उसमें पैरामीटर रहेंगे, किस तरह से इसको जो है लीगल किया जाएगा ताकि इसका दुरुपयोग भी ना हो, क्योंकि नशे का प्रचलन पहले ही हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बढ़ गया है, तो ऐसे में कैसे उस नशे के एलिमेंट को इससे बाहर रखा जाएगा और किस तरह से इसको लीगल किया जाएगा, इसको लेकर जो है वो सदन में आज रिपोर्ट रखी जाएगी, विस्तृत रिपोर्ट जो है वो कमेटी की रखेगी, क्योंकि 4 से 5 राज्यों का अध्ययन जो है वो किया जा चुका है भांग की खेती को लेकर और चर्चा ये भी है कि विदेशों में भी जहां पर भांग की खेती होती है वहां पर भी कमेटी जो है वो दौरा करेगी अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको लेकर सरकार विचार कर रही है और क्योंकि इसका औषधीय प्रयोग भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में इसके औषधीय प्रयोग को देखते हुए क्योंकि कैंसर जैसी गंभीर घातक बीमारी में भी जो है वो भांग जो है वो दवाई के रूप में इस्तेमाल की जाती है, तो इसको लीगल करने को लेकर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार सोच रही है और क्योंकि इससे अगर भांग की खेती लीगल होती है तो कहीं ना कहीं आय में भी जो है वो बढ़ोतरी होगी, इसको देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इसको लीगल किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर उत्तराखंड मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जो है भांग की खेती लीगल है, तो हिमाचल प्रदेश में भी जो है इसको लीगल करने पर सरकार विचार कर रही है, इससे आय में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जो है वो सरकार की होगी और विस्तृत रिपोर्ट में आज देखना होगा कि क्या कुछ जो है इस विस्तृत रिपोर्ट में रहने वाला है, किस तरह से भांग की खेती को जो है वो लीगल किया जा सकता है और क्या कुछ इसके पहलू रहेंगे, उस पर हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा आज की कार्यसूची की अगर बात कर लें तो प्रश्नकाल 1 घंटे का रहेगा, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे और उसके बाद जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी चर्चा के लिए लाए जाएंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो खासतौर पर नुकसान जिस तरह से आपदा से हुआ है उससे सभी लोग जो है सबक ले रहे हैं और इसी से संबंधित एक प्रस्ताव जो है वो चैतन्य शर्मा जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने जो है आज ये प्रस्ताव चर्चा के लिए लाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोफ्यूल और सस्टेनेबल सॉल्यूशन इसको लेकर जो है निकालने की ज़रूरत है, तो इसको लेकर उन्होंने आज ये प्रस्ताव चर्चा के लिए लाया है और NH 305 को लेकर भी सदन में सुरेंद्र शौरी की तरफ से आज ये प्रस्ताव चर्चा के लिए लाया जाएगा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जिसमें और से लेकर लोहरी सड़क की जो दुर्दशा है जिससे आम जनता और पर्यटकों को समस्याएं हो रही हैं उसकी तरफ जो है वो ध्यान आकर्षित करेंगे लोक निर्माण मंत्री का, तो ये
महत्वपूर्ण जो है दो प्रस्ताव जो है वो ध्यानाकर्षण के तहत जो आज चर्चा के लिए लाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ विधेयक भी हैं जिन पर विचार विमर्श होना है और उनका पारण होना है, वो भी जो है वो सदन में रखे जाएंगे। इसके अलावा तीन जो है वो नियम 130 के अंतर्गत जो है वो प्रस्ताव चर्चा के लिए लाए जाएंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश में लो वोल्टेज की समस्या से निपटने के लिए और घरों के ऊपर से जा रही बिजली की तारों को हटाने के बारे में जो है वो विचार सदन में रखा जाएगा और इसको लेकर कोई नीति निर्धारण जो है वो सरकार करे। इस तरह का ये जो प्रस्ताव है वो जीतराम कटवाल भाजपा विधायक की तरफ से लाया गया है और राजेश धर्माणी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने भी एक प्रस्ताव जो है चर्चा के लिए लाया है, जिसमें जो है उन्होंने कहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो सरकार बढ़ रही है, इसको लेकर जो है उन्होंने एक प्रस्ताव जो है वो लाया है कि इसको किस तरह से अडॉप्ट किया जा रहा है और किस तरह से इसको प्रभावी रूप से जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो सिस्टम में किया जाए और क्या इसके जो है वो पहलू रहेंगे, इसको लेकर उन्होंने आज सदन में ये जो है वो अंतर्गत जो है ये प्रस्ताव नियम 130 के अंतर्गत लाया है। और विपिन सिंह परमार की तरफ से भी प्रदेश में बढ़ रही गंभीर बीमारियों जैसे कि किडनी रोग, हृदय रोग, कैंसर और हीमोफीलिया, थैलीसीमिया और अन्य बढ़ती हुई जो गंभीर बीमारियां हैं उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो है क्या स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार उसमें दे रही है, किस तरह के चेंजेस होने चाहिए, क्या हाईटेक मशीनें लगनी चाहिए जिससे रोगी को तुरंत उपचार मिले, इस तरह का प्रस्ताव जो है उन्होंने ये सदन में विचार के लिए चर्चा के लिए लाया है। और ये फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं परिसर की, आप देख सकते हैं कि जो कॉलेजेस के छात्र हैं, लॉ कॉलेजेस के ये छात्र हैं वो विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं गेट नंबर ये 5 है जहाँ से विधायक जो है वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुँचते हैं, वो यहाँ से पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा नियम 61 के अंतर्गत आधे घंटे की चर्चा भी जो है आज सदन में मांगी गई है डीएस ठाकुर की तरफ से। उन्होंने 20 सितंबर को एक प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न के उत्तर से जो उत्पन्न स्थिति है 760 वो प्रश्न संख्या है, उसको लेकर उन्होंने सदन में जो है ये आधे घंटे की चर्चा की मांग की है। और जनक राज की तरफ से भी एक प्रश्न जो है वो 18 सितंबर को जो लगाया गया था उससे उत्पन्न स्थिति पर जो है उन्होंने भी एक ये आधे घंटे की चर्चा मांगी है। तो ये आज दिन भर का एजेंडा रहने वाला है और प्रश्नकाल जिस तरह से मैंने आपको बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण आज का प्रश्नकाल है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला को लेकर प्रश्न पूछा गया है सुधीर शर्मा की तरफ से कि कितना धन जो है केंद्र सरकार से इसके लिए आ गया है और कितना व्यय किया जा चुका है। इसके अलावा पेयजल योजनाओं से संबंधित प्रश्न है, इंडस्ट्रियल यूनिट से रिलेटेड जो है वो प्रश्न है, राष्ट्रीय उच्च मार्गों से संबंधित प्रश्न है, SMC का मुद्दा है कि क्या हिमाचल प्रदेश सरकार जो है SMC को पॉलिसी बनाने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी PTA को जिस तरह से पॉलिसी बनाई गई है क्या उस आधार पर हिमाचल प्रदेश में इनको भी पॉलिसी बनाई जाएगी, तो ये भी प्रश्न जो है सदन में पूछा गया है। और इसके अलावा यूनिवर्सल कार्टन का मुद्दा भी सदन में उठेगा। कुलदीप सिंह राठौर जो कि कांग्रेस के विधायक हैं ठियोग से, उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार अगले सेब सीजन में जो है वो यूनिवर्सल कार्टन लॉन्च कर पाएगी, क्योंकि बाजार में जो टेलीस्कोप कार्टन की उपलब्धता के कारण यूनिवर्सल कार्टन के इस फैसले को लागू करने में चारों ओर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है खासतौर पर बागवानों में जो पैकिंग, क्योंकि एक 24 किलो की जो है वो सरकार की तरफ से सीलिंग लगाई गई थी कि 24 किलो की आप पैकिंग करें, लेकिन कार्टन जो है अभी टेलीस्कोप कार्टन है तो ऐसे में उसमें जो है वो जो 24 किलो का पैमाना है वो फिट नहीं बैठ रहा है, 28, 30, 32 की पैकिंग जो है उसमें आ रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये पूछा गया है कि क्या जो है अगले जो सेब सीजन है तब तक यूनिवर्सल कार्टन सरकार जो है वो लाएगी। और तबादलों को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 9 महीने में जो तबादले हैं पंचायत सचिवों के, तकनीकी सहायकों के और ग्राम रोजगार सेवकों के कितने तबादले हुए हैं और किन किन कर्मचारियों के किस पंचायत में तबादले हुए हैं, इसको लेकर भी प्रश्न जो है वो पूछा गया है। इसके अलावा पंजाबी और उर्दू भाषा को लेकर भी प्रश्न जो है वो सदन में आज ये पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि प्रदेश में कुल कितनी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में पंजाबी और उर्दू भाषा पर जो है विषय पढ़ाया जा रहा है, इसका ब्यौरा जो है वो पूछा जा रहा है। और वर्षा से नुकसान से संबंधित भी एक प्रश्न जो है वो पूछा गया है। खाली पदों को लेकर भी
सदन में जो है प्रश्न गूंजने वाला है। और ई व्हीकल नीति, जिस तरह से सरकार ने निर्णय लिया है कि इसमें जो है वो सब्सिडी प्रदान की जाएगी, अगर कोई बेरोजगार इस वाहन को खरीदता है 50% सब्सिडी का जिसमें प्रावधान किया गया है, तो इसको लेकर भी प्रश्न पूछा गया है कि कितने चार्जिंग स्टेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए गए हैं और इन चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने के लिए विभाग ने कितनी राशि जो है वो व्यय की है और किस फर्म को जो है यह कार्य दिया गया है चार्जिंग स्टेशन लगाने को लेकर, और कितने इलेक्ट्रिक वाहन किन किन के उपयोग के लिए जो है वो क्रय किए गए हैं अभी तक, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जो है सरकार का रुझान है और ये प्रश्न जो है वो इन्होंने सदन में पूछा है। सड़कों की बहाली को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है। तमाम जो प्रश्न है आज सदन में गूंजेंगे, काफी महत्वपूर्ण रहने वाला। देखना होगा कि आज जो सदन के भीतर कार्रवाई है वो किस तरह से रहती है, क्या विपक्ष का रुख रहता है, किस तरह से विपक्ष जो है आज सदन के भीतर मुद्दों को उठाता है, क्योंकि पिछले 4 दिन की अगर बात कर लें तो काफ़ी हंगामेदार रहे हैं। विपक्ष ने लगभग तमाम मुद्दों को उठाने की सदन के भीतर कोशिश की है और कल भी जिस तरह से 2 बार सदन की कार्रवाई से विपक्ष ने वॉकआउट किया था और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की गई थी, और साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि जो श्वेत पत्र लाया गया है वो जो है कहीं ना कहीं नाइंसाफी है और जो खर्चे सरकार बता रही है वो जो है संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए किए गए हैं, ना कि किसी राजनीतिक लोगों के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर मीट और दूसरे जो कार्यक्रम हुए थे हिमाचल के स्थापना दिवस की अगर बात कर लें, अमृत महोत्सव की अगर बात कर लें, तो उनके लेकर जो है प्रश्न उठाए गए हैं, तो इसको लेकर साफ तौर पर विपक्ष का कहना था कि अगर सरकार पिछले 2 से 3 टेन्योर का ये श्वेत पत्र लाती तो अच्छा था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो है पूर्व सरकार को बदनाम करने के लिए ये श्वेत पत्र लाया गया है जो जो है सरासर जो है नाइंसाफी है और सरकार को पूर्व सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है, आंकड़े जो हैं वो गलत पेश किए जा रहे हैं, इस तरह का उनका कहना था। तो साफ तौर पर जो सत्ता पक्ष है उनका कहना था कि जो बर्बादी पैसों की पूर्व सरकार ने की है उससे हिमाचल प्रदेश जो है वो कंगाली के दौर से गुजर रहा है और कर्ज जो है लगातार सरकार को उठाना पड़ रहा है और कर्ज को चुकाने के लिए भी जो है वो कर्ज उठाना पड़ रहा है, इस तरह का जो है वो सरकार की तरफ से कहना था। अब देखना होगा कि आज किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है, क्या विपक्ष का सदन के भीतर रवैया रहता है, किन मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा होती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारी नज़र रहेगी और तमाम चीज़ों की अपडेट आपके साथ फिर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।